ध्यान देखिए, इधर देखिए, इधर इधर वन क्वेश्चन में कहता है, दो पार्ट है इसका। साई एंटरप्राइजेस लिमिटेड हैव सब्सक्राइब कैपिटल 40,000 इक्विटी शेयर 100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, द कंपनी डिसाइडेड दैट, यानी इसका पहले से ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, सब्सक्राइब इसके पास 40,000 शेयर पहले से ये इशू कर चुका है एट 100। पॉइंट नंबर वन कहता है 2500 इक्विटी शेयर विथ 70 पर शेयर हैज बीन रिसीव एंड आर टू बी फोरफिटेड नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल और इशू फोरफिटेड शेयर 120 पर शेयर, पार्ट ए। पार्ट बी में कहता है राइट इशू कर दिया मेड रेशियो इन द वन फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड एट अ प्रीमियम 25 पर शेयर गिवन इन द जर्नल एंट्री। तो हम वन बाय वन करते हैं ना, पहले पहले वाले पार्ट को करते हैं। कहता है पूरा मांगा गया था, लेकिन इसमें से जो ये पूरे मांगे गए थे ना 100 रुपए, एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास होल्ड करता था। ये पार्ट वन कहता है एक व्यक्ति ऐसा था जो होल्ड करता था। कौन सा पार्ट कह रहा है? ये पार्ट वन कहता है। क्या कहता है? वो होल्ड करता था 2500 शेयर, उसने 70 पर शेयर हैज बीन रिसीव, उससे हमें 2500 शेयर थे तो इसका मतलब उससे सिर्फ 70 ही मिले। मतलब कहने का मतलब इस 2500 शेयर होल्डर ने ओनली पेड कितने किए, तो मींस इसने 30 पेड। सर ये राइट इशू में कुछ कुछ पिछले वाला टेस्ट सा आ रहा है, पिछले चैप्टर वाला वही है सेम। अब यहां पे फोर फीचर करना है, तो अगर मैं फोर फीचर की मैं बात करूं, वन बाय वन कर लूंगा, और इसी शेयर को क्या कर लिया गया, री इशू कर दिया गया। कितने में? 120 में। कितने शेयर? आधे। कितने? पूरे। तो पहले फोर फीचर करो, फिर री इशू करो, फिर राइट इशू करोगे। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करना होगा। अगर आपने मान लो पहले फोर फीचर कर लिया और फिर राइट इशू करा, तो एग्जिस्टेंस में रह जाएगा ना कुछ शेयर होल्डर। तो फोर फीचर करने की एंट्री क्या करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसलिए सिर्फ पिछले वाले चैप्टर में हमने थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया था, टाइम लगाया था, ताकि आगे आने वाले सभी चैप्टर में इंटरकनेक्टेड देखो होता जाएगा। ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से आएगा बताओ, कौन बताएगा? 2500 गुना में 100, क्योंकि कॉल्ड अप पूरी है ना, और 2 शेयर फॉर फीचर जितने दे दिए 2500 मल्टीप्लाई बाय 70 और 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये क्या आएगा 2500 मल्टीप्लाई 75 और ये क्या आ जाएगा 1। ये तो एंट्री लॉजी कर दिया किसका, शेयर फोर फीचर। आगे कहता है इसको रीइशू करो, तो ठीक है जी रीइशू कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 120 मल्टीप्लाई बाय 2500 शेयर, तो कितने आ गए? 3 लाख आ गए जी। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, मैक्सिमम हमारा फेस वैल्यू ही जा सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल में, इससे ज्यादा तो आप पहुंचा नहीं सकते यहां पे, तो 2.5 लाख। नाउ नेक्स्ट एंट्री विल बी किसके नाम से होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने जी लिए आपने यहां पे? 25 रिकवर किए हैं, तो यानी मैंने 25 कर रखा है, 100 नहीं आएगा यहां, 20 आएगा, 20 गुणा में 2500 यानी 50,000। ये लो जो हो गया ये फोर फीचर। अब जैसे ही फोर फीचर करोगे तो एक कैपिटल रिजर्व भी जनरेट हो जाता है हमारा, रीइशू करते ही क्या जनरेट हो जाता है हमारा, कैपिटल रिजर्व। तो देखिए 1,75,000 रुपए कमाए और नुकसान कुछ हुआ ही नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा शेयर फोर फीचर 2 कैपिटल रिजर्व। अगर आप बोलेंगे सर राइट इशू करा दिया आपने, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है राइट इशू, इस सभी एंट्री में राइट इशू का कोई लेना देना नहीं था, ये तो पुराना ही चला। तो क्वेश्चन मैंने कहा ना कि आपका जुड़ के आएगा, तो इसलिए पिछले वाला चैप्टर ना, कुछ बच्चे सोचते हैं 12th वाला HR वीडियो देखी, अरे हो जाएगा ये तो छोड़ आगे देख लेते हैं आगे वाला, तो आगे जैसे जैसे जाते जाओगे ना ये सब्जेक्ट आपके लिए टफ होता जाएगा,
और कॉस्ट अकाउंटिंग से ज्यादा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कॉर्पोरेट में, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए वो जो वीडियोस है ना उसको ध्यान से देखिए और उसको अच्छे से नोटिंग करिए और समझिए उसको। अगले पॉइंट में ये पार्ट वन खत्म हो गया, पार्ट टू में बोलता है ये क्वेश्चन में कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, राइट इशू करेंगे। कहता है एवरी, कहता है आर राइट इशू मेड रेशियो वन फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी फाइव शेयर हेल्ड। यानी रेशियो अगर मैं बोलूं तो रेशियो कहने का मतलब है इसका 5:1। इसका मतलब क्या है, पांच शेयर को नहीं 1:5, 1:5। जिसके पास पांच शेयर है उसको कितने मिलेंगे, एक। तो नाउ हमारे पास कितने शेयर है बताइए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सिर्फ आप इसको मत गिनिए, पूरे 40,000 है। मान लो इसके शेयर में रीइशू नहीं करता 2500, तो कितने होते सोचो, माइनस कर देते ना। तो अब यहां से तो हम सिर्फ निकाल रहे हैं कि राइट इशू क्या है, राइट इशू इनटू में कैसे करें बताओ, डिवाइडेड बाय 5:1, तो कितने आ गए, मतलब हमें 8,000 शेयर इशू करना है जिसके बदले बैंक से पैसे लेने हैं। और क्वेश्चन में कहता है इसको जो इशू करोगे ना उसे कितने रुपए प्रीमियम पे इशू करना है, आपने कितने रुपए प्रीमियम पे, एट 25 प्रीमियम पे। कोई दिक्कत है यहां तक, तो सिंपल सी दो एंट्री जो मैंने लिखा था वही होना है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में बताओ कितने आएंगे हमारे, सर बैंक में आएंगे 8,000 शेयर हैं गुणा में 125, तो 8,000 शेयर गुणा में 125 मतलब 1,00,000। और टू शेयर एप्लीकेशन अगर करते हो तो एप्लीकेशन करो, अदरवाइज एक ऑप्शन अवेलेबल है, टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट्स इट। अच्छा 10,00,000 आ रहा है, 2, 4, 6, अच्छा 1,0 और लगा देते, चलिए अगली एंट्री यहां कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां तो आ गया 10,00,000, अब इक्विटी शेयर में तो भाई 8,80,000 ही जाएंगे, 8,00,000 जाएंगे, बाकी के 2,00,000 चले गए सिक्योरिटी प्रीमियम में। कोई बच्चा पूछ सकता है सर 2,00,000 कैसे आए, जी 80,000 शेयर थे 8,000 और मल्टीप्लाई बाय 25, ये लो जी राइट इशू हो गया। मैंने तो देखो कैसे किया, पहले बीच में कुछ वर्किंग नोट, फिर ऐसे ऐसे किया, नहीं आपको जनरल एंट्री जो वर्किंग नोट मैंने किया ना, आप नोटिंग कैसे करोगे, ये एंट्री देन ये एंट्री, फिर ये एंट्री, फिर ये एंट्री, और वर्किंग नोट जो मैं बीच में कर रहा हूं थोड़ा बहुत ये समझाने के लिए था, ये आपका लास्ट में होना चाहिए इसके, समझ में आई बात आपको। तो आप देखेंगे आपको क्वेश्चन यहां पे गिवन है, हमने ए पार्ट भी और बी पार्ट भी बड़े अच्छे से क्या करा, सॉल्व कर लिया। तो राइट इशू खत्म, एक क्वेश्चन और है आपके बुक में, वो आप कर लोगे, इसके बाद बोनस इशू पे आएंगे नोट।